Hello and welcome to all my dear students. Once again I am here to talk about some more rules on the topic subject verb agreement. चलिए बात करते हैं हम लोग आगे रूल्स पे. जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चार रूल्स पे डिस्कस करे थे और आज पांचवा रूल की मैं बात करने जा रहा हूं. और रूल पे पांचवे रूल पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रूल क्या है देखिए जरा. रूल नंबर 5 ध्यान दीजिए. लिखा हुआ कि इफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस लाइक, इस तरह के रूल हम पहले भी डिस्कस करे हैं लास्ट वीडियो में. इफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस लाइक इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी वाला जो था ऐसा ही है ये रूल भी, लेकिन बस स्ट्रक्चर चेंज है. तो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस लाइक, लाइक मतलब एग्जांपल, यहां पे कैसा स्ट्रक्चर होगा, एसटीआर का मतलब स्ट्रक्चर. तो मेनी ए प्लस मोर देन वन प्लस. देखिए रूल नंबर 2 में मेनी के बाद हमने नॉन लिया था और नॉन प्लूरल लिया था, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि मेनी ए प्लस, मेनी के बाद ए ले रहा हूं. मैं बार बार एक डायलॉग बोलता हूं कि जिस तरह उर्दू में एक नुक्ता के हेर फेर से खुदा से क्या हो जाता है, जुदा हो जाता है. इंग्लिश में बस वही चीज लगता है. एक लीटर का हेरा फेरी करेंगे आप चीजें अर्थ सनत निकल सकता है. जियो डी गॉड एंड डीओ जी डॉग. तो यहां पे देखिए मैंने लिखा है मेनी ए प्लस और मोर देन वन प्लस. तो इस कंडीशन में हम वर्ब का क्या यूज करेंगे. देखिए इस कंडीशन में नॉन भी जो यूज होगा वो सिंगल यूज होगा. जैसे मेनी ए के बाद नॉन हम सिंगल, यहां पे हम लिख सकते हैं एसएन. एसएन बोले तो सिंगलर नॉन, और जब सिंगलर नॉन होगा तो वर्ब भी क्या होगा सिंगलर. एसएन प्लस एसवी, राइट. एसवी का मतलब सिंगलर. मोर देन वन प्लस तो यहां पर लिख देंगे एसएन प्लस एसवी. यहां भी दोनों स्ट्रक्चर के साथ नॉन सिंगलर होता है और वर्ब भी हम क्या यूज करते हैं सिंगलर यूज करते हैं. हमने यहां पे लिख दिया है कि यूज सिंगलर नॉन एंड सिंगलर वर्ब विद दैट. क्लियर है. चलिए अब एग्जांपल की बात करते हैं. एग्जांपल है कि मेनी ए बॉय डॉट डॉट मैंने दिया है, उसमें आप लोगों को भरना है. तो मेनी ए बॉय डॉट डॉट प्रेजेंट टुडे. अब देखिए मेनी ए बॉय, ए बॉय, ए बॉय मतलब क्या, एक लड़का. ऑफ कोर्स यहां पे सिंगलर होगा, इज प्रेजेंट टुडे होगा, यहां पे इज करना होगा, राइट. दूसरा है मोर देन वन पर्सन, तो यहां पे पर्संस होगा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. तो मोर देन वन पर्सन इज इंसर्ट हो जाएगा. ओके तो रूल नंबर 5 बहुत ही सिंपल है और जो छोटी छोटी बातें हैं जरा उस पर गौर करने की बात है. रूल नंबर 2 में मेनी के बाद में नॉन लिया था, यहां पर मेनी ए के बाद नॉन लेते हैं. तो मेनी के बाद नॉन आएगा तो प्लूरल में आएगा, लेकिन यहां पे जब मेनी ए के बाद नॉन आएगा तो सिंगलर में लेंगे, और जब नॉन सिंगलर तो भी क्या लेंगे हम सिंगलर लेंगे, राइट. वही केस मोर देन वन में भी है. तो रूल मान क्या बन रहा है कि इफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस लाइक मेनी ए प्लस मोर देन वन प्लस, इन दैट केस यूज सिंगलर नॉन एंड सिंगलर वर्ब विद दैट. क्लियर है. एग्जांपल है मेनी ए बॉय इज प्रेजेंटेड और मोर देन वन पर्सन इज इंजर्ड, ठीक है, इन बस एक्सीडेंट जो भी बोलिए. चलिए खैर एनीवे तो रूल नंबर 5 यही है. इसको देखिए बढ़िया से, जो दिक्कत है हमें कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करिए और चीजों को और हम बेहतर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की. रूल नंबर 6 क्या है. रूल नंबर 6 है कि इफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, इफ द स्ट्रक्चर of a sentence like, एक ही sentence का structure होगा कैसे होगा. चलिए हम str की बात करते हैं. str में है non plus of plus non, ठीक है. इस तरह का structure होगा, जब दो non of से जुड़ेगा तो हम verb क्या use करेंगे. तो यहां पर मैं लिख रहा हूं use for According to first noun. इस केस में जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नॉन, मतलब हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है. लेकिन ये नॉन भी सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है. हम लिख रहे हैं इट मे बी
इट का मतलब यहां नॉन से है, नॉन मे बी शिंगलर और प्लूरल एज वेल। ये नॉन जो है हमारा, ये सिंगलर प्लूरल दोनों हो सकता है। ओके, तो रूल नंबर सिक्स क्या है कि इफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस लाइक, कैसे होगा, तो स्ट्रक्चर है नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन, इन दैट केस, इस केस में हम जो वर्ब की प्लेसमेंट लेंगे वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नॉन लेंगे और ये नॉन सिंगलर प्लूरल दोनों हो सकता है। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल हमारा है, द बॉयज ऑफ साइंस कॉलेज पटना, SCIENC साइंस कॉलेज, द बॉयज ऑफ साइंस कॉलेज पटना या नेवी लिखते डॉटर ब्रिलियंट, द बॉयज ऑफ साइंस कॉलेज डॉटर ब्रिलियंट। अब देखो यहां पे एग्जांपल पे गौर करते, रूल के साथ मैं एग्जांपल इसीलिए करता हूं तभी जाकर रूल का कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। द बॉयज ऑफ साइंस कॉलेज डॉट 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 ब्रिलियंट। अब देखो यहां पे दो नॉन है, एक है द बॉयज और दूसरा है साइंस कॉलेज, राइट, ऑफ से लगा हुआ। अब देखो बॉयज, द बॉयज यहां पे क्या है, द बॉयज ऑफकोर्स ये प्लूरल नॉन है, साइंस कॉलेज पटना, साइंस कॉलेज क्या है, सिंगुलर नॉन है। अब इन दैट केस हम वर्ब की प्लेसमेंट क्या लेंगे, तो रूल में जैसा कि हमने बताया है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नॉन लेंगे, तो फर्स्ट नॉन हमारा क्या है, फर्स्ट नॉन हमारा है बॉयज, तो बॉयज प्लूरल है, तो यहां पे हमें करना पड़ेगा आर ब्रिलियंट, द बॉयज ऑफ साइंस कॉलेज आर ब्रिलियंट, तो बॉयज के अकॉर्डिंग हमने आर ले लिया, राइट। और एग्जाम्पल हो सकता है द डॉग ऑफ मिस्टर रवि डॉट 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 व्हाइट, द डॉग ऑफ मिस्टर टॉम डॉट 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 व्हाइट, तो यहां पे डॉग के अकॉर्डिंग इज करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हमने दिया है, और एग्जाम्पल आपको भी बनाइए, राइट, और फिर इसमें जो दिक्कत होती है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। तो मेरा प्रयास रहता है कि छोटा छोटा वीडियो बना के आपके पास तक भेजूं। फिर हम नेक्स्ट और रूल्स की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल टुडे, हैव अ ग्रेट वन, थैंक यू।